महला पहला। ये बाणी धन गुरु नानक देव जी की उच्चारण की हुई है। लभ पाप दोए राजा महता कूड़ होआ सिखदार। जगत विच जीवां वास्ते जीव का चस्का मानो राजा है, पाप वजीर है आते झूठ चौधरी है। काम नेव सद पूछिए बह बह करे विचार। इत्थे लभ अते पाप दे दरबार विच काम नायब है, इस नू सद के सलाह पूछी जांदी है, यही इना दा वड्डा सलाहकार है। अंधी रीयत ग्यान विहोणी पाहा परे मुरदार। इना दी प्रजा ग्यान तो सखणी होण दे कारण मानो अन्नी होई होई है आते त्रिशना अग दी चट्टी भर रही है। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिगार। जो मनुख अपने आप नू ज्ञानवान उपदेशक अखवाउंदे हन ओह नचदे हन वाजे वजांदे हन आते कई तरह के भेस वटांदे हन आते शिंगार करदे हन। उच्चे कुकह वादा गावह जोधा का विचार। ओ ज्ञानी उची उची कूकदे हन जोधा दे प्रसंग सुनांदे हन अते जोधियां दी वारां दी व्याख्या करदे हन। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करहै प्यार। पढ़े लिखे मूर्ख निरियां चलाकियां करनियां अते दलीलां देनियां ही जानदे हन पर माया दे इकट्ठा करन विच जुड़े होए हन। धर्मी धर्म करहै गावावह मंगह मोख द्वार। जो मनुख अपने आप नूं धर्मी समझदे हन ओह अपने वल्लों तां धर्म दा काम करदे हन पर सारी मेहनत गवा बैठदे हन क्योंकि इस दे वट्टे विच मुक्ति दा दर मंगदे हन कि असी मुक्त हो जाइए। भाव धर्म दा काम दा करदे हन पर निष्काम हो के नहीं, अजे भी वासना दे वधदे हन। जति सदा वह जुगत ना जाण है छड बहे कर बार। कई अजिहे हन जो अपने आप नूं जति अखवांदे हन, जति होण दी जुगती जानदे नहीं, एवें वेखो वेखी घर घाट छड देंदे हन। सब को पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै। ए लब पाप कूड़ अते काम दा इतना जबा है, जिधर तको हरेक जीव अपने आप नूं पूर्ण तौर ते सियाणा समझदा है। कोई मनुख ए नहीं आखदा कि मेरे विच कोई ऊणता है। पत परवाणा पिछे पाइयै तां नानक तोलिया जापै। पर हे नानक तां ही मनुख तोल विच भाव परख विच पूरा उतरदा है। जे तकड़ी दे दूजे पल्ले विच रब दी दरगाह विच मिली होई इज्जत रूप वट्टा पाया जाए भाव ओही मनुख ऊणता रहत है जिस नूं प्रभु दी दरगाह विच आदर मिले। महला पहला। ए बाणी धन गुरु नानक देव जी दी उच्चारण कीती होई है। वधी सो वजग नानका सच्चा वेखै सोए। जो गल रब वल्लों थापी जा चुकी है ओही हो के रहेगी क्योंकि ओ सच्चा प्रभु हरेक जीव दी आप संभाल कर रहा है। सबनी चाला मारियां करता करे सो होए। सारे जीव आपो अपना जोर लांदे हन पर हुंदी ओही है जो करतार करदा है। अग्गे जात ना जोर है अग्गे जियो नवे। रब दी दरगाह विच ना किसे उच्ची नीवी जात दा विचकरा है ना ही किसे दा तक्का चल सकदा है क्योंकि उत्थे उना जीवां नाल वाह पैंदा है जो ओपरे हन। भाव ओह किसे दी उच्ची जात दा जोर जानदे ही नहीं, इस वास्ते किसे दबाव विच नहीं आउंदे। जिनकी लेखै पत पवै चंगे सेई के। ओथे ओही कोई कोई मनुख भले गिने जांदे हन जिन्हां नूं कर्मां दा लेखा होण वेले आदर मिलदा है। भाव जिन्हां ने जगत विच भले काम किते होए सन अते इस करके उन्हां नूं रब दे दर ते आदर मिलदा है। पौड़ी तुर कर्म जिन्हां को तुद पाया ता तिन्नी खसम त्याया। हे वाहिगुरू जिन्हां मनुखा उत्ते तू तुरों बख्शिश कीती है उन्हां ने ही मालक नूं भाव तैनू सिमरिया है। इन्हां जनता के वस किछ नाहीं
तुद वेकी जगत उपाया। इना जीवा दे अपने इख्तियार कुछ नहीं है कि तेरा सिमरन कर सकन। तू रंगा रंग दा जगत पैदा किता है, एक ना नो तू मेल है, एक आपे है तुद खुआया। कई जीवा नू तू अपने चरणा विच जोड़ी रखदा है, पर कई जिया नू ता तू अपने नालों विछोड़िया होया है। गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया। जिस वडभागे मनुख दे हिरदे विच तू अपने आप दी सूझ पा दित्ती है, उसने सतगुरु दी मेहर नाल तेनू पछाण लिया है। सहजे ही सच समाया अते ओ सहज सुभाए ही अपने असले विच इक मिक हो गया है। सलोक महला पहला। ए बाणी धन गुरु नानक देव जी दी उचारण कीती होई है। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई। हे परमात्मा तेरी अजब कुदरत है कि बिपता जीवा दे रोगा दा इलाज बन जांदी है अते सुख आउणा लई दुख दा कारण हो जांदा है। पर जे असली आत्मक सुख जीव नू मिल जाए ता दुख नहीं रहिंदा। तू करता करना मैं नाही जा हो करी ना होई। हे प्रभु तू करणहार करतार है, तू आप ही इना पेता नू समझदा है। मेरी समर्था नहीं है कि मैं समझ सकां। जे मैं अपने आप नू कुछ समझ लवां भाव जे मैं ये ख्याल करन लग पवां कि मैं तेरे भेत नू समझ सकदा हाँ ता ये गल फबदी नहीं। बलहारी कुदरत वस्या। हे कुदरत विच वस रहे करतार मैं तेरे तो सदके हाँ। तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ, तेरा अंत पाया नहीं जा सकदा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। सारी सृष्टि विच तेरा ही नूर वस रहा है, सारे जीवां विच तेरा ही प्रकाश है। तू सब थाई एक रस व्यापक है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन की ती सो पार पया। हे वाहिगुरु तू सदा थिर रहन वाला है, तेरिया सोनिया वड़ियाईयां हन। जिस जिस ने तेरे गुण गाए हन ओ संसार समुंदर तो तर गया है। कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहया। हे नानक तू भी करतार दी सिफ सलाह कर अते आख के प्रभु जो कुछ करना चंगा समझदा है ओ कर रहा है, भाव उस दे कम्मा विच किसे दा दखल नहीं है। महला दूजा। ए बाणी धन गुरु अंगद देव जी दी उचारण कीती होई है। योग सबदन ज्ञान सबदन वेद सबदन ब्राह्मण है। योग दा धर्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म दी विचार करना है। ब्राह्मणा दा धर्म वेदां दी विचार है। खत्री सबदन सूर सबदन शूद्र सबदन परा किरत है। खत्रिय दा धर्म सूरमिया वाले काम करना है अते शूद्रा दा धर्म दूजिया दी सेवा करनी। सर्व सबदन एक सबदन जे को जाने पेओ। पर सारिया दा मुख धर्म ए है कि एक प्रभु दा सिमरन करिए। जो मनुख इस भेद नू जानदा है नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। नानक उसदा दास है ओ मनुख प्रभु दा रूप है। महला दूजा। ए बाणी धन गुरु अंगद देव जी दी उचारण कीती होई है। एक कृष्णन सर्व देवा देव देवा ता आत्मा। एक परमात्मा ही सारे देवतियां दी आत्मा है, देवतियां दे देवतियां दा भी आत्मा है। आत्मा बास देवस जे को जाने पेऊ। जो मनुख प्रभु दी आत्मा दा भेद जान लैंदा है नानक ताका दास है सोई निरंजन देऊ। नानक उस मनुख दा दास है ओ परमात्मा दा रूप है। महला पहला। ए बाणी धन गुरु नानक देव जी दी उचारण कीती होई है। कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ ना होए।
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਆਦਿਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਬੇੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਬੈਠੀਏ। ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।